वहां एक 35 करोड़ का बंगला बनाया है। मैं अपने तमाम मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बंगला ढूंढे, जिसने मुझे वो बंगला दिखाया मैं उससे वादा करता हूं कि मैं उसको गिफ्ट में दे दूंगा। जितनी भी इल्जाम लगाए हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो मेरी इंसल्ट हुई है, जो मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया गया है, मैं इसके खिलाफ हर हक तक जाऊंगा। मैं इतना कहता हूं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। एहतसाब कमीशन के जो चेयरमैन जो जनरल साहब को उन्होंने लगाया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये चलता रहा सिलसिला अकाउंटेबिलिटी का, तो खैबर पख्तूनख्वा की आला तरीन जो क्यादत है, ये तमाम कड़ियां जो हैं ये वहां पे जाएंगी। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को हटा दिया गया और उसके बाद आज तक एहतसाब कमीशन का चेयरमैन नहीं लगा। उन्हीं के एक वजीर ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, जिसका तस्करा रोज आपके सामने करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, लोगों के नाम लेते हैं, कंपनियों के नाम बताते हैं, तमाम वो जिसको आप मनी ट्रेल कहते हैं वो पेश करते हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था, अभी तक वो कहीं नहीं पहुंच सका। इतने इतने बड़े अखलाकियात के दावे करने के बाद क्या आपका यह मुकर्रर नहीं था कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप तलाशी दे डालें? क्या फर्क पड़ता आपके ऊपर जो दाग लगे हैं, कोई इल्जामात लगे हैं, वो धुल जाते अगर आपने कुछ नहीं किया था? क्या ये हिपोक्रेसी है या नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजिन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजिन, नैब के कल होने वाले इजलास में कुछ फैसले किए गए। वैसे तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनका जनाजा निकल चुका है, लेकिन क्योंकि अभी इनकी शायद तदफीन नहीं हुई तो कुछ थोड़ी बहुत कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं। वो ये है कि बस सिर्फ इन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाने के बाद कुछ खबरें नशर करनी होती हैं। वैसे तो हजारों लाखों स्कैंडल्स, 150 मेगा स्कैम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दीगर लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं कि वो कहां हैं और कहां पहुंचे हैं। लेकिन कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में यह पता चला कि साबिक सिंध के सेक्रेटरी जो हैं लैंड के, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया, जिन पे 53 अरब रुपए पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जस्ट ओनली 53। और उसके साथ साथ साबिक सदर नेशनल बैंक के सैयद अली रजा, उनके खिलाफ भी एक बदनवानी का रेफरेंस दायर किया गया है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। उन पर भी इल्जाम है कि खजाने को उन्होंने $185 मिलियन का सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, इख्तियारात से तजावज और गैर कानूनी भर्तियों के खजाने को 50 करोड़ और तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब नुकसान पहुंचाया। साबिक IG सिंध पुलिस गुलाम हैदर जमाली साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला ज्यादातर लोगों का चर्चा सिंध से है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी पीछे नहीं रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जिनकी अभी आपने थोड़ी देर पहले साउंड बाइट सुनी थी, और उन्हीं पर तनकीद भी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के मुशीर। वो ये कह रहे थे कि अगर आपका दामन साफ है तो फिर आप घर से एहतसाब शुरू करें। KP की असेंबली में असद कैसर साहब के खिलाफ ये शिकायत की जांच पड़ताल की जा रही है कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज किया, गैर कानूनी भर्तियां और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम है। इन पर यह भी एक इल्जाम है कि इन्होंने 35 किनाल का घर जो है वो बनीगाला में खरीदा, जो तकरीबन 350 मिलियन रुपीस का है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये घर किसी को मिल जाए और ये साबित हो जाए कि वो उनका है तो वो उसे गिफ्ट कर देंगे। और नैब पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए या पॉलिटिकल अजाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहां तक बात दुरुस्त है? इसी हवाले से आज की एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर आसिफ अली जरदारी फॉर्मर सदर पाकिस्तान, उनके इंटरव्यू के हवाले से है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, बड़ी खरी खरी उन्होंने बातें भी उनको सुनाई। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं उन्होंने क्या कहा, चौधरी निसार से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था, वो शर्जील मेमन के हवाले से क्या कह रहे थे, पहले ये सुन लीजिएगा। सारा इल्जाम तो मुझ पे लग पड़ता है कि सब कुछ मैं करा रहा हूं, तो मीडिया ऐसे लोगों की तशहीर कम करेगा, उनकी बातों की तशहीर कम करेगा? मतलब इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि दो साल अगर इतने आप साफ थे, पवित्र थे, तो 2 साल आप कहां गायब रहे? हीरो वो बना हुआ है, हर जगह इल्जामात मुझ पे लगाते हैं, अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे। ये चौधरी निसार ने कहा शर्जील मेमन के बारे में कि वो हीरो बना हुआ है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, 2 साल तक वो कहां गायब था। आपको याद है कि प्रोटेक्टिव बेल होने के बावजूद उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, फिर कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। साबिक सदर ने आज ये कहा, उन्होंने एक तो हुसैन हकानी के हवाले से कहा, जो काम लेना था वो ले लिया, अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी सोच में हमारी सोच में फर्क है, पाकिस्तान के हवाले से वो उनकी बातों से इतफाक नहीं करते। अयान अली का नाम इस्तेमाल करके मुझे बदनाम किया गया, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। चेयरमैन नैब को कहना चाहता हूं कि वो मेरे खिलाफ क्या केस बनाएंगे,
ऐसा ना हो कि सैफ अल रहमान की तरह मेरे पैरों में गिर गिर कर माफिया मांगे। और इसी के आगे उन्होंने ये कहा कि ये थ्रेट मैं हुकूमत और हुकूमत के वुजरा को कर रहा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत में आने के बाद बहुत तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं उनकी जमहूरियत को सपोर्ट किया। साबिक सदर का कहना यह था कि पनामा केस का फैसले का मुझे भी इंतजार है। मैं और बिलावल इसी पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि जब सियासी शेर का शिकार करना हो तो फिर सियासत के लिए पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। क्या हम ये समझें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो अब शायद कहीं दफन होता जा रहा है? ऐसा है या नहीं, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। और वो भूल जाते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफ अर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन साहब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये जो दूसरे बैठे हैं ना, जिनके बाल ही नहीं खराब होते। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मलिक अहमद साहब स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के, पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनके एक सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जरदारी साहब का आज इंटरव्यू आ गया, ये बड़ी खबर हो गई हुकूमत के हवाले से, नैब के हवाले से। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब की औकात क्या है, वो क्या मेरे पे केसेस बनाएगा? बहुत सारी उन्होंने बातों का जवाब दिया और हुकूमत को के वजीरों को बड़ा थ्रेट किया और बड़ी एक स्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस करंट गवर्नमेंट के लिए। देखिए, जरदारी साहब बहुत कम आते हैं टीवी पर, और अभी वो उन्होंने एक दो दिन पहले भी कहीं इंटरव्यू दिया था किसी चैनल पर, और आज एक दूसरे निजी चैनल पर दिया जी हामिद मीर साहब को। उनके खिलाफ हर बार इस तरह, कल सेनेट में हमारे पास डिस्कशन हुई कि भाई वो जो वीजाज थे वो भी उसके गले में, कुछ पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है वो भी आसिफ साहब के गले में जी, और पीपल्स पार्टी के गले में कि भाई गुजर 4-5 साल से यही चीजें चल रही हैं कि करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं सिंध गवर्नमेंट और ये। मगर ये कि पंजाब जहाँ का पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज्यादा है, तो वहाँ क्या सब फरिश्ते रहते हैं? उनके कोई ब्यूरोक्रेट, उनके कोई मिनिस्टर्स, रिटायर्ड आर्मी चीफ, दीगर लोगों पर, आर्मी जनरल्स की मैं बात करता हूँ, कभी उन पर नैब ने किसी ने हाथ डाला है? रिटायर्ड जजेस पर हाथ डाला है? उसकी सिंपल बात मैं आपको बताऊँ, कल भी एक टीवी प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ और जनरल कादर साहब थे जो कादर बलोच साहब जी, ठीक है, और उसमें ये हमने कहा कि भाई देखें हमारा बिल जो है एक अकाउंटेबिलिटी बिल, इट इज लाइंग इन नेशनल असेंबली। हमने उनको ऑफर दी है पीपल्स पार्टी ने कि वो ऐसा कोई इदारा बनाया जाए जिसके तहत, नैब है ना सर? नहीं, नैब इनकॉम्पिटेंट है नहीं, लेकिन उसमें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की मशवरा नहीं, वो सही है, मगर बिल इज लाइंग देयर। ओके, और हम ये चाह रहे हैं कोई ऐसा इदारा हो जिसमें रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन सब पे हाथ डाला जाए। ये जो नैब है सिर्फ किस किस्म का इदारा होगा? एक नवा इदारा, वो उस पर वो अग्री कर रहे हैं नून वाले, वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में 7 से 8 मीटिंगें नेशनल असेंबली में हो चुकी हैं जिसमें हम भी शरीक हैं, पीटीआई भी शरीक है और दीगर पार्टीज भी शरीक है। आपको भी ये लगता है कि नैब सिर्फ एक सिर्फ मखसूस लोगों के लिए इस्तेमाल की जा रही है? नैब जो बनाई गई बुनियादी तौर पर एक आमर ने बनाई और पीपल्स पार्टी को तोड़ना था, पेट्रियट करना था, नहीं वो तो बनाई, लेकिन उसके बाद आपने आपस में मुशावरत की और एक नया चेयरमैन चुना? नहीं, देखें हमने, हमारी जब हुकूमत थी उसी दौरान हम बिल लेकर आए कि इसमें तब्दीली हो, उस वक्त नून ने मुखालिफत की थी, अब नून इस चीज में नेशनल असेंबली में राजी हो गई है और इस सिलसिले में 7 से 8 इजलास भी हो चुके हैं इसी सिलसिले में। हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा और एक ऑटोनोमस इदारा बनाए, ये इदारा जो है इसने कोई इतने बड़े काम नहीं किए जो मुखालिफों के खिलाफ चीजें इस्तेमाल होती रही हैं। अभी टोटल जोर सिंध गवर्नमेंट पर है और पीपल्स पार्टी पर है। ये बात दुरुस्त है कि ये कहते हैं सिंध गवर्नमेंट पर, पीपल्स पार्टी पे, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया चेयरमैन नैब के हवाले से जो उन्होंने कमेंट्स दिए, फिर उन्होंने सैफ अर रहमान का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा जिस तरह वो मेरे पांव में पड़ के माफिया मांगता था, ऐसा ना हो कि आपके वजीरों को, वफाकी वजीरों को या लोगों को वही काम दोबारा करना पड़े, माफिया मांगनी पड़े मतलब उनसे।
नहीं देखें जो आसिफ अली जरदारी साहब का आज के इंटरव्यू है और जितना क्लिप मैंने देखा है, मैं तो इतनी बात ही कह सकता हूं कि जरदारी साहब की शनाख्त एक ऐसे सियासी जमात के सरबराह की है जिसकी एक बड़ी हिस्ट्री है और एक बड़ी पॉलिटिकल रीजनिंग है उसकी, और उनका लबो लहजा हमेशा धीमा रहा है और उन्होंने जब भी बात की है कोई सियासी सूझबूझ की है जी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका प्रेशर एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब जैसे धीमे मिजाज के और एक बड़े रिकंसिलिएशन के हामी प्रेसिडेंट भी जो हैं वो अब अग्रेसिव टोन पर जाते जा रहे हैं? ठीक, तो इस पे जो भी सेनेटर साहब ने भी कहा उससे तो इस बात की निशानदेही होती है कि शायद कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उनके ऊपर करप्शन का चार्ज आ रहा है या जो पिछले 5 साल में रहा और उनके साथ जो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी वो जिक्र करते रहे और जो इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट का उनके साथ रवैया था उसकी बुनियाद पर भी एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। लेकिन ये सारी चीजों की क्रिएटर नून लीग नहीं है। नून लीग ने किसी जगह पर भी इनके लिए ये केसेस क्रिएट नहीं किए, और अगर ये कभी किसी ऐसे दौर में हुए जिसका जिक्र ये करते हैं तो उसकी एक चेकर्ड हिस्ट्री है जो सीओडी से पहले की है, और सीओडी के अंदर कुछ चीजों के ऊपर तय पाया गया कि ब्लेम गेम से आगे निकलकर हार्ड फैक्ट्स और रियलिटी पर बात की जाएगी। अगर अभी किसी केस में जिसके अंदर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का कोई ऐसा जिक्र आता हो या उनके ऊपर कोई ऐसी छाप लगती हो तो वो मेरे मुशाहदे में तो कम अज कम नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जैसे शर्जील मेमन साहब का जिक्र हुआ कि वो कोर्ट से बेल लेकर आए थे और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं अगर उनके साथ आप अपनी बेल निगोशिएट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उनको हवा में इन एयर चीजों का पता नहीं चलेगा। एंड द मिनट दे टोल्ड दैट, और मैं कोई नैब का तर्जमान नहीं हूं, अगर आसिफ जरदारी साहब को नैब पर इतराजात हैं तो उनको वो इतराजात जैसे इन्होंने बिल की सूरत में उठाए हैं, इनकी असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तादाद मौजूद है, सिंध में इनकी हुकूमत और इनकी असेंबली मौजूद है, तो ये नैब की उन चीजों की निशानदेही करें। पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग जो है वो एहतसाब के अमल को हमेशा मुतासिर करती है, ये और तारीख गवाह है, हमने देखा है कि जब कभी भी इलेक्शन ईयर आता है तो एक तरफ से एहतसाब का शोर मचता है और दूसरी तरफ से सियासी बयानबाजी की हद तक एक दूसरे का पूरी तरह से कला कमा किया जाता है, और यही सूरत रही है एक सीसॉ की सिचुएशन के अंदर। और इसमें मैं आपको ये एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि नाउ अब इस बात से कि सियासी नारेबाजी करने के बाद आप ये समझें कि किसी का दामन जो है वो साफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कितनी मैग्नानिमिटी शो की है, उनके ऊपर वो इल्जामात जिनके अंदर उनको क्लियर इम्यूनिटी थी, मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं और मैं यकीन करता हूं लॉ के उन प्रोविजंस में जिनके मुताबिक ये सोसाइटी गवर्न होती है, उनको वो इम्यूनिटी अवेलेबल थी, मैं उनकी जगह होता डिसीजन लेने वाला तो मैं अपनी इम्यूनिटी प्लीड करता, मैंने नहीं की, मैंने अपने आप को पेश किया और मैंने वो कुछ सुना, मैंने अदालत के अंदर अपने बेस्ट एविडेंसेस दिए, लेकिन बाहर आके जो एमेच्योर्स थे जिनका तल्लुक कोई नहीं था, जिनकी लीगल प्रोपोजिशंस की हैसियत कोई नहीं थी, और वो लोग आके बयानबाजी करते रहे जिनकी कानून के साथ कोई तल्लुकदारी नहीं थी, और उन्होंने अपने तौर पर इंटरप्रिटेशंस करने के बाद इतनी पोलराइजेशन क्रिएट कर दी। सिंपल, I just want to say that Asif Ali Zardari sahab's interview means nothing. It is just his anger, गुस्सा है आज उनका जितना मैंने सुना है। Okay. अब पूरा सियासी सबक मेरे सामने है नहीं कि उन्होंने किस चीज का रेफरेंस दिया। Ali has also joined us. Please, मैं जरूर आपको मौका दूंगी। जी, मैं इनका एक आखिरी एक लाइन का जवाब है कि जब नवाज शरीफ की पार्टी के लोग और मियां मंशा पर हाथ डाला गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर आज से 6-8 महीना पहले, उन्होंने नैब को तंबीह की प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई शरीफ आदमियों पर हाथ नहीं डाला, पगड़ियां ना उछाले। हाँ, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सबको एतराज हो गया ना कि ठीक है ये जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात होगी तो सबको बुरा लगेगा। अली, वेलकम टू द शो। गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी खबर जाहिर सी बात है आज साबिक सदर का इंटरव्यू भी बना, लेकिन उसके साथ साथ असद कैसर साहब फिर मुसद्दिक मलिक साहब आए, उन्होंने कहा जी अगर आप पीटीआई इतनी एहतसाब की बात करती है तो सबसे पहले ये अपने घर से शुरुआत करते, तो पहले पनामा से रिलेटेड आपस का झगड़ा था, अब ये मामलात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जैस्मीन साहब, आपको और आपके सब नाज़रीन को कल का जो यौम पाकिस्तान है 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, और अल्लाह करे कि जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया था हम कभी साल में एक दफा तो देख लिया करें कि वो मकसद क्या था।
जहां तक आपने ये नैब की जो बात की है और एलिगेशंस की बात की है, दो चीजें हैं। पहले तो मैं बहुत वाजे तौर पे क्लियरली बता दूं कि असद कैसर साहब का जो की जो बात होती है, नैब वालों ने तो उससे इनकार कर दिया कि वो खत उनका था ही नहीं। अब ये बहुत बड़ा मुहिमा है और हुकूमत को हल करना चाहिए, चौधरी निसार अली खान साहब को बिलखसूस, कि असद कैसर साहब ऑर्डिनरी MPA नहीं है, ना वो ऑर्डिनरी MNA है, वो तरीके इंसाफ के वहां पे स्पीकर हैं और स्पीकर जाहिर है पर सबका होता है कि एक स्पीकर को फेक खत कैसे चला गया, ये तो अलहदा मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी कंसर्न है। और असद कैसर साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो जो उनकी जमीन की बात है वो तो 2007-08 में पत्नी को उन्होंने लिया जब वो कभी MPA भी नहीं बने थे, जब हुकूमत नहीं बनी थी। और जो घर की बात होती है वो कहते हैं कि अगर किसी को वो घर मिले तो मेरी तरफ से तोहफा है, तो वो तो बात ही खत्म है। जब नैब ने कह दिया कि हमने वो खत हमारा है ही नहीं, तो ये मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मेरे छोड़े वो PTI से हैं, ठीक, मेरे मुल्क के एक सूबे के स्पीकर को फेक खत कैसे चला गया, यानी कि अजीब सी बात है। जहां तक ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दानियाल अजीज साहब ने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, मुझे समझ नहीं आती कि आज उनको इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जब कल मिलिट्री कोर्ट्स पे एक इतफाक राय मौजूद थी और एक इतफाक राय का माहौल था, और आज उनको इतफाक राय चाहिए भी थी सेनेट में। मुझे नहीं समझ आती, पीपल्स पार्टी पे आप लाख इल्जाम लगाए करप्शन के, लेकिन एक चीज थी कि वो कम अज कम ऐवान को साथ तो लेके चलते थे, उनके वजरा आते थे, सख्त बातें सुनते थे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, पोजीशन को सख्त बातें सुनना पड़ती हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे मलिक अहमद खान साहब तशरीफ फरमा है, इन जैसे लोगों को इनको इधर भेजना चाहिए था। कम से कम ये बात तो ऐसी करते हैं कि हुकूमत को तो हमेशा बात सुननी चाहिए। अब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां तक मेरी गट फीलिंग है, मुझे तो और कोई इसकी वजह समझ नहीं आ रही सवाए इसके कि ये फोर्सी कर रहे हैं पनामा का जो फैसला है, और ये पता नहीं अंदर से डरे हुए हैं या कोई आने वाले बोनचाल का इनको खतरा है। कल 23 मार्च है और परसों जो है यानी कि यस्टरडे बेहतरीन हो गया मिलिट्री कोर्ट्स पे के इत्तेफाक की राय थी, और आज जाके उन्हें फिर स्पैनर फेंक दिया। या तो फिर ये मेहरबानी करें, ये एक साहब जो है इनको छोटी मोटी वजारत दे दें, शायद इनको कोई आराम आ जाए। हमें तो कोई इनको और कोई इलाज समझ नहीं आता। दानियाल अजीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बस समझने वाले के लिए इशारा काफी है। नहीं, इशारों में क्यों बात करें हम? देखें, आप सेनेट की बात कर रहे हैं, सेनेट में आज कोरम ही पूरा नहीं था। ये तो हमारी सीरियसनेस है वॉर ऑन टेरर पर। आज कौमी असेंबली में क्या हुआ आपको वो भी पता होना चाहिए ना, क्या हुआ आज कौमी असेंबली में? भी आज कोरम नहीं था तो वो तो कभी भी नहीं होता भाई, वो तो सिर्फ तब लोग आते हैं जब उनको कोई वोट करनी होती है। वो तो शुक्र करें हम अपोजिशन वाले मौजूद थे, और आज खुर्शीद शाह साहब ने तकरीबन कोई 40-45 मिनट की तकरीर की तो कुछ ना कुछ ऐवान चला। अदरवाइज तो कल अलबत्ता नून लीग के कुछ लोग आए हुए थे, जाहिर है मियाँ साहब आए हुए थे, मियाँ साहब भी कभी कभी तशरीफ लाते हैं तो वो आए हुए थे। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ये मिनिस्टर्स, अगर आपको इतना ही ऐवान से आप एलर्जिक हैं तो यहाँ से आप ओथ क्यों लेते हैं, यहाँ पर आप पता नहीं, आई डोंट नो। मैं दोबारा यहाँ पे बात करूंगा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, हालांकि वो पावरफुल PM नहीं थे, ताकत का मुंबा जो था उस प्रेसिडेंट हाउस में था, लेकिन ये जरूर था कि वो ऐवान में आते थे और जवाब देते थे। के लोगों के लिए एक अलहदा दिन था और वहां पे वो ऐवान में बैठ के भी दस्तखत करते थे अपोजिशन के लोगों के कामों की। ये नहीं पता मुझे कौन सा मतलब ये है कि यार ओहदा मिलने से और इज्जत मिलने से तो इंसान और झुकता है। मैं समझता हूँ झुकने में इज्जत है, इज्जत देने में इज्जत है। True that. एक शॉर्ट ब्रेक ले देते हैं ताकि सेनेटर साहब आप इस पे कमेंट कर सकें जो उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट के हवाले से बात की है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर साहब आप उस वक्त कुछ कमेंट करना चाह रहे थे जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने जरदारी साहब कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, 10 साल जेल देखी है, बेनजीर साहब की शहादत देखी है। जब प्रेसिडेंट रहे हैं तो उस वक्त कमांडर इन चीफ के खिलाफ आर्मी चीफ और ISI के चीफ चले गए कोर्ट में मेमो गेट में। जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, वो जज्बाती या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, मगर नेचुरली अगर सिंध गवर्नमेंट पर और जरदारी साहब पर आए दिन इस तरह के इल्जाम लगे कि भाई नवाज शरीफ गवर्नमेंट, चौधरी निसार, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब, भाई हम तो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चले और हमने अभी तक ये नहीं कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो। आज भी अगर वोटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी ने अबाइड किया कि भाई जो चीज़ फैसले हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में टेन्योर्स वाला सिस्टम है, जो भी जीते वो अपना टेन्योर पूरा करे। नहीं, वैसे ये टेन्योर्स वाला क्या सिस्टम है, समझ नहीं आई मुझे इसकी। नहीं, ये बारियां लगाना नहीं, बारियां नहीं, फिर ये तय हुआ था। देखें बेनजीर साहब जो जीतेगा उसको टेन्योर कंप्लीट करना। मैं आपको बताऊं, गौतम बुद्ध,
क्या सच की तलाश में उसको ज्ञान मिला कि क्या बेनजीर साहबा जब एग्जाइल में गई तो इसी की मिसाल आपको देखकर समझे कि बेनजीर साहबा ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक पेज पर हो और सिस्टम चलता जाए इलेक्शंस होते जाएं बहुत सी मिजरीज बहुत सी चीजें पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी। तो बेनजीर साहबा शहीद हो गई, जब हमारी हुकूमत आई तो हमने वही चीज फॉलो अप की कि भाई ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आप उस डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन पीएमएलएन नहीं कर रही। पीएमएलएन जब मजबूत हो गई लेकिन सर एक बात उनकी भी तो मलिक साहब ने जो पॉइंट उठाया वो ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इनमें से कोई ऐसे केसेस नहीं है जो उन्होंने आपके खिलाफ बनाए। देखिए हमारे पास जो जरदारी साहब पर स्टिल भी जो केस चल रहे हैं वो नवाज शरीफ ने किए थे, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले की बात, मगर अभी तक चल रहे हैं ना केस, फंसे पड़े हैं, बहुत सी जजमेंट्स जो है एनआरओ के बाद अदालतों में चली गई है और अभी भी नून वाले जो भी केसेस है सिंध पर उनकी जो बंदूकें लगी पड़ी है। सिंध पर बंदूकें इसलिए लगी पड़ी है सर, अभी मैंने आपको ये खबर बताई है कि कल जो नैब ने, मेरी बात सुने, हम खुदा ना खासा पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ है, हम चाहते हैं कि जो है इंसाफ हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत है। मैं गुजरे 5-7 साल में अगर आप देखें तो टीवी प्रोग्राम पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इनकॉम्पिटेंस। लेकिन अब तो मुफामत हो गई है ना, नहीं, मुफाम... ने ये भी कहा शजील का वापस आना एक मुफामती अमल के तहत। देखिए मैं अभी प्लेन से उतर कर आ रहा हूँ, मैंने सारा इंटरव्यू नहीं, नहीं सुना, मैं बता रही हूँ मैंने सुना है। मलिक साहब ये जो आपने जो बात की कि कुछ बिल्डिंग प्रेशर्स हैं ये वो, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इलेक्शंस, जैसे उन्होंने कहा कि आज आपके जो पीएम के एडवाइजर और दीगर लोग थे उनको क्या जरूरत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो भी एक बेमानी सी बात लगी, अचानक आ गई, मतलब है कि नथिंग big was happening, बहरहाल they have a right to their point of view। इसी तरह खैर उन्होंने तो इंटरव्यू दिया था, तो he has a right, people's party वापस आ रही है, अपना मौकिफ दे रही है, elections में जाने की तैयारी है। नहीं देखिए मेरा तो आर्गुमेंट ही ये है कि जब इलेक्शन एयर आएगा तो बड़ी सारी इरेशनैलिटी भी साथ, टू मेक देयर ओन पॉलिटिकल रेलेवेंस, हर बंदा अपनी बात वैसे करेगा जैसे शायद आज ड्यू भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, और बदकिस्मती से पिछली कुछ दिहाइयों से ये सिलसिला रहा ऐसे है कि जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होगी अगर आपने उसको डिफेम करना है, आपने उसको उसकी शोहरत पे कोई दाग लगाना है या कोई भी करना है तो पहली बुनियाद करप्शन से उठ रही है जी। और मैं ये समझने से कासिर हूं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, बिकॉज मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि एक इलेक्शन करप्शन की बुनियाद पर किसी दूसरी पार्टी ने लड़ा, क्या हासिल किया, उससे पहले का इलेक्शन करप्शन की बुनियाद पर लड़ा, चैलेंजेस बुनियाद पर किया, क्या हासिल किया। और अभी जो पनामा केस का, अभी आप देखें, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये आपको कहने लगा हूं, एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं आपके प्रोग्राम में आज से 3-4 महीने, उस दिन भी अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, मैं एक बात कहकर गया था, फिर आपसे कहने लगा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ वो ऑर्डर पास कर सकती है जिस ऑर्डर की उसके पास लीगल गुंजाइश हो पास करने की। अभी आप ओल्ड क्लोज्ड पास्ट ट्रांजैक्शंस को जब डील करेंगे तो आप क्या ऑर्डर पास करेंगे, मैक्सिमम आप क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं कि कोई फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर कर दें, क्या ये इसका नतीजा निकलेगा। और ये जो पोलराइजेशन क्रिएट की है, ये चाहे मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है कि आप अपना पोलिटिकल, किस चीज को पोलराइजेशन कह रहे हैं? पोलराइजेशन इन द, देखिए जैस्मिन मैं तो बड़ा एक्सप्लिसिट हूं इस बारे में जी, कि एक आपने पॉइंट ऑफ व्यू अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से पहले बेस्ड अपॉन अजम्पशंस एंड हाइपोथेटिकल रेशनैलिटीज पर जिसकी कोई तुक नहीं बनती, आपने इतना ज्यादा उसको ड्रम बीट किया है कि आपने ये बात तय कर ली, तहैया कर लिया कि पनामा की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जो है वो कहीं आकर खड़ी होगी। अभी उसमें जो सारी चीजें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी जब जजमेंट पास करनी है तो तब उसके मुताबिक फैसला लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर जब खुद ऑन रिकॉर्ड है वो ये कह रहे हैं लेकिन कि जो भी कोर्ट की डिसीजन होगी, दैट इज फाइन मलिक साहब, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आप पोलराइजेशन की बात करते हैं तो देन फिर पीपल्स पार्टी सही कह रही है कि फॉर 5 ईयर्स सिर्फ सिंध हैज बीन टारगेटेड। देखिए अभी पीपल्स पार्टी को अपने आप को विंडिकेट करने का, आई एम नोबडी टू एडवाइस देम, लेकिन मैं एक सिंपल रीजन दे सकता हूं कि हमने जिस आसिफ अली जरदारी की शनाख्त हमारे पास है वो ये है कि वो
उनकी टोटल जो पॉलिटिकल लाइफ की जब से वो स्टीवर्डशिप पे बैठे रहे आके, उनकी रिकंसिलिएशन उनकी पहचान बनी रही। लेकिन आज वो क्या प्रेशर्स हैं, वो क्या हीट है जिसकी बुनियाद पर उनका टोटल नैरेटिव और उनकी पॉलिटिकल इंसाइट चेंज हो रही है। अब क्या वो उस आईजी के खिलाफ करप्शन का केस है? मैं नहीं मानता। क्या शर्जील मेमन के केसेस की बुनियाद पर वो आउटबर्स्ट कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। दिस इज, ये तो पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे से फेस किया है। मैं तो इस बात पर उनकी इस क्रेडिबिलिटी को भी मानता हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत सारी विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त भी करती है, लेकिन जवाब देगी इसका। दैट्स इवन अली, पोलराइजेशन कैसे हुई मुआशरे में? आपको लगता है कि एक ग्रैंड डिवाइड हुआ, पोलराइजेशन हुई, लोगों ने पहले से अपना माइंड मेकअप कर लिया कि यस ये पानामा, क्योंकि आज जदाई साहब ने भी कहा मुझे भी पानामा का इंतजार है फैसले का। देखें, उसकी शायद वजह यह है कि हम अपनी अपनी जमातों को शायद पाकिस्तान समझने लगे हैं। पाकिस्तान किसी भी जमात से बहुत बड़ा है जिसने ता क्यामत रहना है। जमातों का कोई पता नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आज कहाँ है, कोई अता पता है? मुस्लिम लीग पता नहीं कितने टुकड़ों में बढ़ चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के भी कई हिस्से बखरे हो चुके हैं। जिसकी भी, जिसका भी उसका कसूर है, मैं ये नहीं कहता, जिसका भी कसूर है, लेकिन पाकिस्तान ने इंशाल्लाह ता क्यामत रहना है। तो ऐसे इश्यूज जिसमें पाकिस्तान की बका और सलामती की बात हो, वहां पे हम पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात करें। करप्शन के खिलाफ अगर बात है तो करप्शन क्या, कौन इससे इनकार करेगा कि करप्शन ने पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट लिया है और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया। आज हालत यह है कि हमारी हुकूमत गरीब है और अवाम में कुछ लोग, अवाम नहीं, अवाम में कुछ लोग जो हैं वो अरबों खरबों पति हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो कल 23 मार्च का दिन हम मना रहे हैं, हमने कायद के पैगाम को ही पीछे छोड़ दिया। कायद का पैगाम क्या था? कायद तो एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे अली। ये इसलिए हुआ क्योंकि आज तक इस मुल्क में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। चेस के मोरों को कभी आगे किया जाता है, कभी पीछे किया जाता है, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई एक फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जी। आप ये क्यों नहीं पूछते, ये सवाल क्यों नहीं सियासतदान करते? आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि वो लोग जो पिछले टेन्योर में, लेट्स से राहिल शरीफ के टेन्योर में आ नहीं रहे थे, किससे मफामत हो गई जो अचानक सब मुल्क में वापस आना शुरू हो गए? देखिए, असल वजह वही है ना। असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि वो एग्जाम्पल कायद की बात हम करें, बताएं बच्चों के कायद क्या कहते थे। कायद एक दफा जा रहे थे और वहां पे जो है रेलवे क्रॉसिंग पर उनके लिए खोल दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर कानून तोड़ूंगा तो फिर मैं किसी और से कैसे डिमांड करूंगा। मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये बात की है, बिल्कुल वही बात है जो आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और, मालदार के लिए और गरीब के लिए और। तो आज अगर आपके मुल्क में आपका अदल का निजाम मजबूत हो तो क्या उसके बाद कोई इम्कान है कि कोई शख्स पाकिस्तान छोड़ के किसी भी तरीके से वो कोई डील करके निकल जाए या फिर किसी भी तरीके से डील करके वापस आ जाए? लेकिन पाकिस्तान में अदल का निजाम मजबूत करना पाकिस्तान की अशराफिया को सूट नहीं करता, क्योंकि वो फिर अपनी चॉइस के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2 साल में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप कानून नहीं ला सके, नहीं बना सके, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सके, फिर आपने 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स दे दिए। तो सेनेटर साहब, सवाल यही पैदा होता है ना कि हर एक के लिए कानून अलग है, मसला सिर्फ ये है अपनी मर्जी से कानून को इस्तेमाल किया जाता है। देखें, ये जो है अदालत, 18 लाख से लगभग केसेस सारे पाकिस्तान के सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, आम आदमी के ना। ठीक है, मैं एक छोटी बात मुझे याद आ गई है। आपको पता है कि आज सेंसस के लिए एक शख्स के घर बिलाल कॉलोनी में, क्योंकि उसने कर्जा लिया हुआ था, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस अली एंड मलिक साहब, दिस वाज अ बिग न्यूज टुडे, वो उसने खुदकुशी कर ली इस खौफ से कि वो कर्ज लेने वापस फौज के साथ आ गए। ही किल्ड हिमसेल्फ। लेकिन यहां पर अरबों रुपए की माफिया हो जाती है और एक एनआरओ से यहां कत्ल के मुकदमे माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जस्मीन मंजूर साहब, मैं एक बात आपको करूं अगर आप मुझे एक मिनट की इजाजत दे दें। गो अहेड। इसमें हमारी कौम भी बराबर की शरीक है। Agreed. जब कौम के किसी आदमी को पता है कि यार ये जो है शख्स अलिफ बेजीन, ये जैद बकर अमर जो है करप्ट है, ये हेरोइन का व्यापारी है, ये कातिल है, ये जो है कब्जा माफिया है, ये 2 नंबर आदमी है, फिर भी जाके उसको वोट करते हैं। देखें, Agreed. अगर मैं और आप ये फैसला कर लें
मैं और आप ये फैसला कर लें कि ये जो मेरा वोट है कौमों को लीडर तैयार किया करते हैं, ये वो बैत है जिस पे बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कौमों को लीडर तैयार किया करते हैं, कौमों को लीडर तैयार किया करते हैं। 1 मिनट। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर अवाम खड़े नहीं होंगे, अवाम हक और बातिल में फर्क नहीं करेंगे, तो आपका लीडरशिप भी अवाम का आईना है। क्यों हम अपने 5,500 रुपए कि इसमें हर कोई जिम्मेदार है। सबसे पहले तो जुडिशरी को चाहिए कि केस 15 दिन में खत्म हो, बजाय इसके कि अतिका ऑटो पर शराब का केस हो और वो फंसी पड़ी हो और कैनेडियन नेशनल हो। देखिए सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में सब केसेस, अगर कातिलों को सजा होती तो आज मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनती। तो जिम्मेदार सिर्फ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मुआशरे में हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई लाइक टू क्लोज द शो हियर, टाइम नहीं है। सेनेटर साहब, मलिक साहब, एनाली, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।